महिंद्रा डीलर्स से हमारे प्रतिनिधि श्रीमान सुरेश हमारे किसान भाई अर्जुन सिंह को ट्रैक्टर से संबंधित कुछ विशेष जानकारी देने आए हैं। आइए देखते हैं एयर क्लीनिंग सिस्टम किस तरह से हवा को साफ करता है। आपके ट्रैक्टर को चलाता है इसका इंजन, और इंजन चलता है हवा के द्वारा डीजल को जलाकर ऊर्जा बनाने के सिद्धांत पर। हवा इस रास्ते से अंदर आकर प्री क्लीनर में चली जाती है। धूल और अन्य कचरा प्री क्लीनर बोल में जमा हो जाता है। इसके बाद इस हवा को ऑयल में से पास किया जाता है। ऑयल हवा में से मैल और गंदगी को खींच लेता है, और फिर ये वायर मेश यानी जाली हवा में से बाकी की अशुद्धियों को भी छान लेती है। इसके बाद हवा इस पेपर फिल्टर से पास होती है, जिसमें छोटे छोटे और बारीक धूल के टुकड़े भी छान लिए जाते हैं, और फिर ये शुद्ध साफ हवा इंजन में दाखिल होती है। गांव वालों, अब तक हमने ट्रैक्टर की मुख्य प्रणालियों के बारे में जाना। अब फ्यूल सिस्टम की तरफ एक नजर डालते हैं। टैंक से निकलने के बाद डीजल फिल्टर बोल और फीड पंप में जाता है, और वहां से वो फ्यूल पंप और इंजेक्शन सिस्टम के द्वारा इंजन के सिलेंडर्स में इंजेक्ट होता है। कूलिंग सिस्टम, इंजन को सही तापमान पर रखने के लिए रेडिएटर और कूलेंट टैंक में कूलेंट डाला जाता है। शुरुआत में कूलेंट सिर्फ इंजन में चारों तरफ घूमता रहता है। जब इंजन का तापमान बढ़ता है तो कूलेंट भी गर्म हो जाता है। तब कूलेंट के रास्ते में लगा थर्मोस्टेट वॉल्व खुल जाता है, जिससे गर्म कूलेंट को रेडिएटर में जाने का रास्ता मिल जाता है। टायर, जरा देखिए कि जब हवा जरूरत से ज्यादा हो तो क्या होता है। ऐसा करने से टायर का सिर्फ बीच वाला हिस्सा ही जमीन के साथ जुड़कर चलता है। इससे वो भाग जल्दी घिस जाता है और आपके टायर को नुकसान पहुंचता है। इस भाग में हमने जाना कि टायर में हवा का दबाव नियमानुसार रखें। उपकरणों को ठीक तरह से न लगाने से टायरों को नुकसान पहुंच सकता है। ठाकुर साहब, जय मेरे भाई, बैलेस्टिंग करने के लिए पिछले टायरों में 3/4 पानी भरा कर मेरे यार, और टायर पर अतिरिक्त वजन भी लगाया कर। और गांव वालों, लगाए गए टायर से बड़ा टायर कभी मत लगाना, भूल कर भी नहीं। ट्रैक्टर चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम। भारतवर्ष में जमीन को जोतने के लिए हमेशा से ही बैलगाड़ी और पारंपरिक हल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आज के दौर में एमबी प्लाउ, डिस्क प्लाउ, चिजल प्लाउ इत्यादि जैसे कई कारगर कृषि यंत्र उपलब्ध हैं, जिन्होंने जुताई को बहुत ही आसान और असरदार बना डाला है। इस फिल्म में हम विशेष रूप से मोल्ड बोर्ड प्लाउ के बारे में जानेंगे, जिसे हम एमबी प्लाउ भी कहते हैं। एक तरह का मशीनी हल है। एमबी प्लाउ दुनिया का सबसे लोकप्रिय कृषि यंत्र है। एमबी प्लाउ का यह भाग जो जमीन में काम करता है, उसे प्लाउ बॉटम या निचला हिस्सा कह सकते हैं। प्लाउ बॉटम के मुख्य भाग हैं शेयर, मिट्टी को काटना और उसकी गांठों को तोड़कर उठाने का काम ये शेयर करता है।
इसे बॉटम के साथ खास बोल्ट्स द्वारा फिट किया गया है जो सतह के ऊपर उभर कर नहीं आते। मोल्ड बोर्ड, कल्टीवेटर। दिस अलाउज द टाइम टू राइड ओवर ऑब्स्ट्रक्शंस इन द सॉइल विदाउट द इनकन्वीनियंस ऑफ स्टॉपिंग वर्क टू क्लियर द ऑब्स्टिकल, thus making it suitable for use in stone and root-infested soil. In case of rigid tined cultivator, this is not possible. The tine may get caught and can damage the implement and overload the tractor.